नहीं पीछे की भरकम पीछे लगा लियो ऊपर से भर दो बोली बे देखो ये क्या क्या बोल फूप पे आ गई कुछ कही कही ये समझने का फर्क रहा है इनका वो भरने के लिए लग रहे हैं उसमें जो नीचे की रहेगी कुछ नीचे की सीधी भर के फिर ऊपर से भर जाएगी। हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 2:30 है उठ गया हूँ और 12:30 सोए थे तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट दिल्ली की तरफ शुरू करते हैं। छः बज गए भाई आज तो लेट हो गए। आधी खाली हो गई है पूरी हो जाएगी ना कितनी है 3 और 3 4 2 8 8 घंटे बड़ी है भाई चले भाई गए हैं। भरने लगी हुई है देखते हैं कितनी भरी है। अरे जाओ जाओ खोद के ले ला रहे ये पट कर ले रहा देख हाँ सही है रात यहाँ से भरी है वहाँ से एक ही भरी थी अपने वाली में ही 6 बज गए थे क्योंकि डल्ले से भर रहे थे ना तो इसीलिए और फिर दूसरी भी यहाँ लगाई यहाँ से भरी 9 बजे तक अपने वाली 6:30 बजे तक कंप्लीट होके पल्लड़ लगा के बाहर निकाल दी थी और यहाँ पे बूंद मार में लगा दी थी फिर थोड़ी बहुत छांट छूट के बढ़िया तरीके से भर के फिर लेके गए थे और 9:10 पर यहीं से चले थे भट्ठे से और पहुँचे थे कमरे पर 10:30 कमरे पर पहुँचे 11:00 बज गए थे कमरे तक काफ़ी सारा टाइम लग गया था। ट्रैक्टर जो एक्सीडेंट है उसकी जगह पर यहाँ भट्ठे से ट्रैक्टर 265 जोड़ा था जो अपने पास से ही सेल हुआ है वैसे और का तो वो जोड़ के उसमें हवा नहीं थी बड़े टायर में तो हवा वहाँ दुकान खुलवाई और बड़ा अंकल ठीक था तो उसने हवा कर दी थी उसके पास में कई बार काम करवाता हूँ हवा वगैरह पंचर वगैरह तो उसने फिर हवा कर दी हवा करवा के लेके गया वहाँ से कम 12:20 हो गई थी जब मैं सोया खाना खा के 11:30-12 बजे तक खाना खाया 12:20-15 पर फिर सोया मैं बारिश होता हूँ पंखा लगा के और मच्छरदानी तो इन्होंने बेकार कर दी मेरी और बोल हानि कर रहे हैं कोई भी कह रहे हैं हमने लगाई ही नहीं मच्छरदानी। तो फिर 2:30 पर उठ ही गया था मैं फिर चल पड़े थे आज 1 घंटा वहाँ पे भी 6 बज गए थे जब पहुँचे तो उतारने पल्लड़ खोला 6 बज रहे थे और फिर भी हमने 2:20 में उतार दी थी मतलब 8:25 पर 20 पर डल्ले बंद कर दिए थे और कंप्लीट करके फिर आ गए थे और जो एक्सीडेंट हुआ 575 है उसका आगे से बहुत सारा नुकसान है वही 15,000 में तो काम मुश्किल चलेगा देख रहे हैं अभी कंप्लीट हो रहा है वो एजेंसी के अंदर खड़ा है और वही अपने ही पैसे लग रहे हैं उस पर कोई मतलब बीमे में तो फ़ोटो होती है फ़ोटो में साधन आता ही नहीं है जो नुकसान है वो फ़ोटो में कैप्चर होना चाहिए
कंपनी जो फोटो देखेगी उसी के हिसाब से अपना नुकसान पे करेगी। और बीमे में 2 साल 1.5 साल पहले अपना यही 575 एक्सीडेंट कर दिया था, एक गंदे आदमी था वो, उसने बिल्कुल मस्ता हुआ आदमी था तो उसने एक्सीडेंट कर दिया था, बाइक वाला था साइड में, बाइक वाले को बचाने के चक्कर में फुटपाथ पर ट्रॉली का टायर चढ़ा दिया जोड़ा, और ट्रॉली पलट गई पहले, फिर ट्रैक्टर को भी पलट दिया, स्पीड में ज़्यादा था, ट्रैक्टर बुराड़ी के लिए चक्कर उतारने गया हुआ था, और जो बस उसका तो मैं क्या नाम लूँ, वो तो बेकार आदमी था, तो उसने एक्सीडेंट कर दिया था इसको 575 को। जब एक्सीडेंट हुआ मैंने कैथल ठीक करवाया था, बीमे के अंदर इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस के अंदर ठीक करवाया था, 38,000 कुछ रुपए का बिल था, और एक महीने का काम गया फिर, और खाते में 29,000 रुपए आए थे, जो अपने फालतू लग रहे थे वो अपने ही लग रहे थे। और बीमे की ये कंडीशन होती है, एक तो कैशलेस बीमा होता है, एक होता है जो मतलब कि बगैर कैशलेस जीरो डेफ पे होता है, एक तो पता नहीं इनका एक लफड़ा होता है, पैसे हमने पहले जमा करवाने होते हैं एजेंसी में, एजेंसी सामान मंगवाएगी, मुंबई से सामान आएगा, और सामान तो कहीं से भी आए लेकिन मुंबई फाइल जाती है, तब जाके वो सामान आता है, डलता है, काफ़ी सारा टाइम प्रोसेसिंग होती है, और सर्वर पास करता है एक्सीडेंट हुए साधन को भाई नुकसान कितना है, फिर उसी के हिसाब से बिल बनता है, बिल बनने के बाद में मुंबई पहुंचता है, मुंबई पहुंचने के बाद फिर सामान आता है, सामान आने के बाद में फिर डलता है, फिर पास होता है, फिर अपने मतलब कि हमारे पैसे तो लग लिए, हमने जमा करवा दिए एजेंसी में, तो वो पैसे जमा करवाने के बाद में फिर खाते में आते हैं 1-1.5 महीने के बाद, ये प्रोसेस होती है एक्सीडेंट होने के बाद में। तो मतलब बीमे का भी कोई इतना वो फ़ायदा नहीं है, अगर जीरो डेफ से इंश्योरेंस हो कि भाई हमें पैसे भी नहीं जमा करवाने पड़े, और कंपनी अपना सब कुछ करेगी उसमें, हमारे मेरे भी पैसे, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये काम गया 1 महीने का, दूसरी बात ये कि भी पैसे जमा करवाने पड़े, कम से कम मैंने 36-37,000 रुपये जमा करवाए थे बिल के अकॉर्डिंग, तो 29,000 रुपये आए थे, 8,000 रुपये फिर भी माइनस में ही था, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ बीमे का। और तो ये सारी मतलब कि प्रोसेसिंग होती है इनकी कंपनी, तो मतलब जो गाड़ियाँ होती है छोटे वाली, इनका जीरो डेफ का इंश्योरेंस होता है, ट्रैक्टरों का जीरो डेफ का इंश्योरेंस नहीं होता, पहले पेमेंट जमा होती है क्योंकि फिर ये इनको मानते नहीं ना कंपनी वाले कि भाई हम तो पैसे जमा करवाएंगे। मैं तो जीरो डेफ का इंश्योरेंस हर बार बोलता हूँ कि भाई प्रोसीजर कोई हुआ जीरो डेफ से, तो कहते हैं नहीं भाई हमारे पास तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वैसे ही बीमा होगा जो सिंपल होता है बस, हर साल के लिए 12-13-15,000 रुपये का बीमा होता है, वही कटता है ट्रैक्टर का, एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए तो पैसे जमा होंगे ही होंगे, बस पुलिस केस से ये बचाता है कि भाई अगर कोई दिक्कत होती है एक्सीडेंट होता है तो ये पुलिस केस से बचा लेगा, बस अपना ट्रैक्टर भी चलता रहेगा ठीक होने के बाद में अपना, और पुलिस केस हो जाएगा तो कंपनी अपने आप लड़ती रहेंगी दोनों, तो ये सारी बातें होती हैं। बर्फ के रेडी होगी तो अभी चलते हैं कमरे की तरफ। तो पहुंच गया हूँ कमरे पर, तो अभी नहाऊंगा, और भाई चलो वीडियो तो एंड ही करते थे, खाना खा के फिर सो जाऊंगा। तो बीमे के बारे में बताइए मैंने जानकारी, तो जानकारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, इस वीडियो करते एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, थैंक यू।